नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बाजार में जल्द 30 रुपए किलो के दाम पर बिकने लगेंगी प्याज, नाफेड ने बताया प्लान। जी हाँ, आपको बता दें कि अब जल्द ही बाजारों में सस्ती प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। नाफेड ने इसके लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं नाफेड के डायरेक्टर का यह भी कहना है कि अगले 10 दिनों में राजस्थान से भी प्याज आने की उम्मीद है। इसके बाद प्याज के दाम खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। तो दूसरी ओर नाफेड अपने गोदामों से प्याज दूसरे राज्यों को भेजना शुरू कर रहा है। सफल के स्टोर से भी सस्ती प्याज बेची जा रही है। नाफेड डायरेक्टर का कहना है कि प्याज की कुछ फसल खराब हो जाने के कारण प्याज के दाम में यह भारी अंतर देखने को आ रहा है। नाफेड के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जल्द ही 21 रुपए प्रति किलो की रेट से राज्यों को प्याज भेजे जाएंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्चे जोड़कर राज्य अपने हिसाब से उस प्याज को बाजारों में बेच सकेंगे। तो वहीं दिल्ली में हम सफल के स्टोर पर 28 रुपए प्रति किलो की रेट से प्याज बिकवा रहे हैं। जानकारों की माने तो नाफेड ने से 21 रुपए किलो प्याज मिलने के बाद राज्य अपने खर्चे जोड़कर ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए प्रति किलो की रेट से प्याज को आराम से बेच सकेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके जगह पर प्याज क्या अभी सस्ता हुआ है या फिर उतने में बिक रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी के वादे का बताया पूरा हिसाब, बीजेपी से मांगा जवाब। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पूर्ण कृषि ऋण माफ, 10 लाख सरकारी नौकरियां, शिक्षा के लिए 22% राज्य का बजट और एडहॉक कर्मचारियों की कई श्रेणियों को नियमित करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद नेता और विपक्ष के गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे का पूरा तर्क दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझसे कई बार पूछा गया है कि वह सरकारी नौकरियां कैसे देंगे। इस सबसे पहले विभिन्न सरकारी विभागों में 4.5 लाख खाली जगह हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार के प्रशासन को राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 5.5 लाख नौकरियों की जरूरत है। बिहार के सीएम उम्मीदवार ने मणिपुर का उदाहरण दिया, जहां पर 1 लाख की आबादी पर राज्य ने 1000 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि हमारे राज्य में प्रति 1 लाख पुलिसकर्मियों की संख्या 77 है और ये कुछ इसमें सुधार है जिन्हें हमें करने की आवश्यकता है, जिसके तहत हम अतिरिक्त 5.5 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2.13 लाख करोड़ रुपए की धनराशि बजट से आएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे में से केवल 60% ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी 40% जो कि 80,000 करोड़ रुपए के करीब है, जिसमें से हमें 10 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को उन लोगों को बताना चाहिए कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन है। अगर यह नीतीश कुमार हैं तो उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि इतने सारे काम देना करना असंभव है। अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का वादा किया है, उनकी पार्टी को यह समझाना चाहिए। सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की योजना की गई लॉन्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 योजनाओं में से एक है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात उन गाँवों तक भी पानी पहुँचा गया है जहाँ पहले तक सोच भी कोई नहीं सकता था। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को रात की बजाय जब सुबह यानी कि 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो ये नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा, सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार की जाँच होगी, नीतीश कुमार जाएंगे जेल। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में LJP के उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
उनके समर्थन में वोट अपील करने के लिए चिराग पासवान औरंगाबाद पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार की कमियों को गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन मैं बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सभी योजनाओं में ही हुआ है। सात निश्चय योजना में कितना कमीशन लिया जाता है सभी को पता है, चाहे हर घर नल जल योजना हो, सभी को कमीशन लिया जाता है। सीएम नीतीश के मंत्रियों को इन भ्रष्टाचार के बारे में पता है। हमने कहा कि अगर हमारे सरकार बनती है तो इन सारे भ्रष्टाचार पर जांच बैठेगी, सभी को जेल जाना पड़ेगा, सीएम पर भी जांच होगी और ये भी जेल जाएंगे। अनुच्छेद 370 को वापस पाने के लिए जम्मू कश्मीर में बना अलायंस। फारूक अब्दुल्ला बोले, हम बीजेपी विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं। जी हां, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली और आर्टिकल 35A को फिर से हासिल करने के लिए कश्मीर के सभी दल एकजुट हो गए हैं। शनिवार को गुपचुप घोषणा के लिए बने पीपुल्स अलायंस की बैठक पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के अलावा कश्मीर की दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद नेका नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा विरोधी हैं, हम देश विरोधी नहीं हैं। बैठक में अलायंस का अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला को चुना गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती उप अध्यक्षा बनाई गई। जम्मू कश्मीर के नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने कहा कि इस अलायंस और रणनीति के बारे में एक दस्तावेज महीने भर के अंदर पूरा हो जाएगा, उसे जल्द ही लोगों के सामने भी लाया जाएगा। आरजेडी के घोषणा पत्र को बीजेपी ने बताया झूठ। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव के पास अपना विजन नहीं। जी हां, बीजेपी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को झूठ बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी वादे कर रहे हैं वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, ये बिहार की जनता जानती है, क्योंकि बिहार की जनता ने लालू यादव का शासनकाल देखा है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी के पास अपना कोई विजन नहीं है, जो लोग गाइड कर रहे हैं वो वही बोल रहे हैं, जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज्य में लूट भ्रष्टाचार अपराधियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बिहार के में विकास को सबने देखा है, हम पीएम मोदी के विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि तेजस्वी आज नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दौर में हमने पलायन का दंश झेला है। प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर करारा हमला, पूछा राहुल गांधी प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाओं पर चुप क्यों हैं? जी हां, पंजाब में बिहार के प्रवासी मजदूर की 6 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म और उसको मारने की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि पॉलिटिकल टूर करने की जगह राहुल गांधी को टांडा जाना चाहिए, जहां पर बिहार की 6 साल की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। केंद्रीय मंत्री ने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब के टांडा गांव में बिहार के दलित प्रवासी मजदूर की 6 वर्षीय बेटी को दुष्कर्म के बाद मार दिया गया। इस दर्दनाक और शर्मनाक घटना के बाद अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। हम पंजाब सरकार से अपराधियों को पकड़ने और कार्रवाई करने की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब शासित राजस्थान और पंजाब में बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं पर चुप्पी साधने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पर जाते हैं, इसके बजाय उन्हें टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए जहाँ उनकी सरकारें हैं और वहाँ की महिलाओं के साथ ऐसे अन्याय और दुष्कर्म हो रहा है, यह वो नहीं देखते। बच्ची के साथ हुई इस घटना पर न राहुल गांधी गए, न ही प्रियंका गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब तक कोई टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले फ्री कोविड वैक्सीन हर भारतीय का अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए तो यह हर भारतीय को फ्री में मिलना चाहिए। गौरतलब है कि अगले सप्ताह होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोविड वैक्सीन फ्री में देने की बात कही है। इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क और सीलमपुर पड़ोस में एक नई फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए, यह
पूरे देश का अधिकार है। यह दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल फ्री वैक्सीन पर बोले हैं। इससे पहले केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए पूछा था कि जो भारतीय उन्हें वोट नहीं देते क्या उन्हें फ्री में वैक्सीन मिलेगी या फिर नहीं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ और हिस्सों से मॉनसून के वापस लौटने की उम्मीद है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।